होशंगाबाद जिले के पिपरिया में लेक लतीफी के चलते 7 करोड़ की नर्मदा जल योजना 28 करोड़ में पूरी हुई। बावजूद इसके नगरवासी दूषित पानी पीने को मजबूर है, जिससे पीलिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश की भाजपा सरकार नल जल योजना के तहत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को करोड़ों रुपयों का अनुदान देती है, जिससे आम जनता को साफ स्वच्छ पानी सुगमता से मिल सके। लेकिन पिपरिया के नागरिकों को नगर पालिका सफाई साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि कस्तूरबा वार्ड में 15 से कम ज्यादा लोगों में फैली पीलिया की बीमारी कह रही है कि उन्हें नगर पालिका के नल से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वह दूषित है। बहुत मरीज आ रहे हैं। किस मोहल्ले से? कस्तूरबा वार्ड। क्या परेशानी आ रही है? बुखार, पीलिया की शिकायत। आपको? मेरे को पीलिया की शिकायत। बताया उन्होंने? हाँ, उन्होंने बताया कि भाई पानी की शिकायत, कहीं भी डिस्टेंस हो रहा है, नाली का पानी पाइपलाइन में मिल रहा है, इस कारण ये हो रहा है, पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा ऐसे। और कितने मरीज हैं जो अभी इस तरीके से आपने देखी? अभी एक तो यही प्रेजेंट में खड़े हैं मेरे साथ। अच्छा, और भी डॉक्टर साहब बताए कितने लोग? वो भी आपके वार्ड से हैं जो? हाँ, वो बता रहे ना उसी वार्ड से, जब तो नशक हो गई। जब हमने नगरपालिका से इस विषय में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मुझे पता चला, मैं इसकी में जांच करवाता हूँ। आया है कि कस्तूरबा वार्ड में दूषित पानी पीने से कई लोगों को पीलिया बीमारी की शिकायत मिली है। मुझे आपके माध्यम से आज ही ये मामला संज्ञान में आया है और मैंने अभी जल प्रदाय शाखा प्रभारी से मैंने बात की, उन्होंने ही बताया कि उनको आज मॉर्निंग में सुबह ही उनको पता चला है इस संबंध में, तो शाम को 4 बजे वहाँ पर लाइन की सप्लाई शुरू होगी, तो मैं उसकी जांच करवाऊँगा कि कहाँ से पानी सप्लाई में आ रहा है। अगर इतनी बड़ी समस्या होगी तो पहले से हमारे पास कोई उसकी जानकारी नहीं थी, किसी ने शिकायत नहीं की और उसकी भी जांच कराई जा रही है। गौरतलब है कि अभी कुछ माह पूर्व नगर पालिका ने नर्मदा जल आवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए नगर के लोगों को नर्मदा से लाया हुआ पानी फिल्टर प्लांट में फिल्टर कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का दावा किया था। 7 करोड़ की नर्मदा जल आवर्धन योजना बढ़ते बढ़ते 28 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन नागरिकों को साफ स्वच्छ पानी आज भी नसीब नहीं हो पा रहा है। जब इस बारे में हमने नगर के वरिष्ठ चिकित्सक से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पीलिया तो दूषित पानी या दूषित खाने की सामग्री या इस तरह से फैलता है, जो होता है जो मरीज को साधारण तरह का जो पीलिया रहता है, बाकी जो दूसरी तरह का पीलिया होता है वो इन्फेक्टेड ब्लड के कारण या सिरिंज वगैरह लगने के कारण होता है, जो जिसको टाइप 2 हेपेटाइटिस बोलते हैं, और टाइप 1 हेपेटाइटिस सड़ी गली चीजें या कोई पानी दूषित पानी हो उसको पीने से होता है। नगर में पीलिया के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है, नगर पालिका को चाहिए कि स्वच्छ पेयजल प्रदान करें। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।